सॉरी मम्मी, भाई बोल रहे चेंज हो गया कपड़ा भाई, बड़ा पाव सबके चलान कटने का ये डर रहे हैं। जा चूतिए, सबको घेर घेर के रखा गया भाई साहब। अच्छा अंदर भी है, ट्रॉफी मिलेगा ना अपने अपने बॉयफ्रेंड को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हमने डिसाइड नहीं किया हमें जाना कहाँ है। सबसे पहले पवन को लेने चल रहा है, पर पवन को लेके जाना है उसके लिए मैं टी शर्ट भी लेके जा रहा हूँ। देखो पूछो क्यों। अरे इधर गऊ माता खड़ी है, रुको गऊ माता हट जाए उसके बाद बताता हूँ क्यों। हाँ तो पवन के लिए टी शर्ट लेके जानी है, इसलिए कि पवन टी शर्ट पहना है अपना जॉब वाली, तो जॉब वाली पहनेंगे तो घूमने जा नहीं सकता, इसलिए हमने सोचा घर से वाली उठा ले चलते हैं। तो उसको ये देंगे, वो ये पहनेगा, हम भी वाइट वो भी वाइट, दोनों भाई वाइट वाइट हो जाएंगे, फिर चलेंगे आगे। बस उसको लंबी ना पड़े यार, क्योंकि मैं तो फिट है ना बॉडी बिल्डर आदमी तुम्हारा भाई, वो थोड़ा सा ढीला ढाला है इसलिए उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और साला बहुत दिन से हेलमेट नहीं पहना ना मैं, तो हल्का हल्का हेलमेट बदबू भी मार रहा है, कोई ना इसको धूप पे डालना भूल जाता हूँ, पर जल्द ही जान लेंगे। चलो ये भी कोना बना दिया, भगवान इनका भला करे, सारे कोने ठीक कर दे रहे हैं। तभी इसी रोड से इसलिए आ रहे कि ये रोड एकदम सही दिखती है हमें, एकदम अच्छी लगती है, मतलब सही है, नॉर्मल है, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं, ज़्यादा गड्ढे गुड्ढे, इसलिए अब इस रोड से आना चालू कर दिए हैं। नहीं तो पहले आसीमा वाले से जाते थे, पर वो जो रास्ता बीच का था ना मुगालिया वाला, जो शूट करके दिखाता नहीं था, वो बहुत गंदा था, पर कोई ना अभी तो अच्छा है। चलते पहले पवन को लेते, फिर डिसाइड करते जाना किधर है हमको। ब्रो जाना किधर है रे बाबा, इधर किधर, ये क्या हो गया इधर। और ये रोड में आने से एक फायदा और है, जहाँ हमें पवन भाई के पास जाना रहता है तो यहाँ से पास पड़ता है, उधर से घूमना पड़ता है हमें, इधर से पास पड़ता है, इसलिए एकदम परफेक्ट जगह है पवन भाई के लिए। तो पवन भाई को हो सके हम इसी साइड बुला लेंगे। बाबा इधर ट्रैफिक काहे को लगने का, ट्रैफिक नहीं लगने का, ट्रैफिक अपन को पसंद नहीं है। तो हो सके पवन को हम इसी साइड बुलाएंगे, बोलेंगे इधर ही आ जा, टी शर्ट चेंज कर लेना, और क्या और क्या, समझ रहे हो ना। देखते अगर इस साइड आ गया सही है, नहीं आया तो भी सही है, दोनों में सही सही है, समझ रहे हो। नहीं नहीं तुम नहीं समझ पा रहे हो, बाकी ये एरिया कितना प्यारा लगता है यार, इधर सब चीज़ अच्छा है। और ये सामने जो होटल बना है ना भाई, एक नंबर चीज़ है, कभी किसी को रुकना हो तो इस पे आना, बहुत बढ़िया पार्किंग वार्किंग हर चीज़ है इसमें, और जस्ट हाईवे के पास है, तो ये फ़ायदा है तुम्हें, ये देख लो सब चीज़ है। और एक्सिस बैंक भी खुल रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें, एटीएम बैंक सब चीज़ तो यही है, ज़िंदगी में चाहिए क्या तुम लोगों को हैं, हमें बताओ जरा। अभी अपन तो यहाँ से कच्चे रोड से तो नहीं जाएंगे, हाईवे से डालेंगे। ये बाबा इधर गड्ढा ना हो रहा है, गड्ढा ना हो, ओहो मेन के बारिश होती पानी भर रहा तो उसमें फटती है भाई, ये गड्ढा गुड्ढी हो। तो अपन एकदम उसके लोटस के सामने खड़े होकर भाई को फ़ोन लगाएंगे, ब्रो किधर है तू, ऐसे बोलेंगे, फिर देखते क्या बोलता है वो, कि कहाँ है, किसका आ रहा है। बहुत दिन से घूमने का मन हो रहा, पर कहीं जा ही नहीं पा, क्योंकि पानी गिर, मैं इसी टाइम में निकलने का सोचता था, पर इस टाइम में पानी बहुत गंदा गिरता था, फिर साला जाना हो ही नहीं पाता था। तो आ चुके हैं, गाड़ी साइड लाइट दबाते हैं, भाई को फ़ोन लगाते हैं कि भाई हमारा किधर है रे बाबा, तेरे को मैं कब से बुला रहे है, तू आ नहीं रहे लाए रे, आने का ना, फालतू का क्या मच करने का। हो अगर बोले उधर साइड आ तो उधर साइड जाएंगे, अभी तो इधर खड़े होकर फोन लगाते पहले भाई को। ओके चलो भाई, पवन भाई को फोन लगा दिया, पवन आ रहा है। अभी मेरी वॉइस पता नहीं कैसी आ रही, सही आ रही नहीं आ रही, जैसी भी आ रही पवन बस आ रहा है, पवन आ जाए उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। बाकी वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बहुत गलत जगह खड़ा थी, वहाँ बहुत गंदी धूप लग रही थी, तभी हमने गाड़ी साइड कर लिया, साइड लेके आ चुके हैं, वॉइस आ रही नहीं आ रही पता नहीं यार, जो भी जैसे आज कल हमने जब तक निकाल रही थी, बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब। आ गया ना हेलमेट से निकल के हीरो तुम्हारा दोस्त। हाँ तो भगवान आए उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे मिलेंगे। पहले मुझे वो पवन को लेके निकल चुका हूँ, अभी हम जगह डिसाइड नहीं हो पा रही कहाँ जाए, क्योंकि देखो आधी जगह हम घूमे हुए हैं, तो हम सोचे भी यहीं ऐसे जाएंगे जहाँ तक घूम सकेंगे घूमेंगे, वहाँ से रिटर्न। बस साले किया वाले रे बाबा, गड्ढा रे, इतने सारे सारे गड्ढे, साले रोड पे कारी खड़े करते हैं। तभी चलते हैं यहाँ से दाने से, वहाँ से बोल दाने से बोल, चिनार से गाड़ी सीधे डालेंगे हाईवे पे, वहाँ सीधे निकलेंगे, देखते जहाँ तक गाड़ी जाती है, मतलब पेट्रोल जहाँ तक रहता है वहाँ तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना। तभी चलते जहाँ तक हो सके, इधर गड्ढा इधर पानी भरा है, ऑफ रोडिंग बा, ये क्या कर रहा है एकदम से सीधे गैप इधर मोड़ा है, साला चूतिया है क्या, और ख़ासकर आंटियों से पंगा ले रहा। आंटी जी रुक जाना जी, अभी हम हाईवे पर डाल चुके हैं, दानिश नगर भी आ चुके हैं, तभी हम सीधे चलते हैं, हम ब्रिज के ऊपर पर जाएंगे, हो सके कुछ देर तक टाइम तक ब्रिज में रुकेंगे, या हो सके 10 नंबर से ऐसे राउंड मारते हुए वापस रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि क्या करें कुछ है ही नहीं है। हाँ यार 10 नंबर सही डिसीजन, 10 नंबर से चलने का, गाड़ी धीरे कर रहा है, हाईवे पीछे से उड़ा के चला जाएगा सच्चा इंसान।
अच्छा ये मेरे लगा बांध के रखा है ऐसे ही नंगे पैर गाड़ी चला रहा भाई। तभी तो अपन चलते हैं, बस बारिश ना हो भगवान से ये मना, क्योंकि मैं गीला नहीं होना चाहता, पवन भी गीला होना चाहता है, मैं नहीं होना चाहता बस, इसलिए बारिश ना हो। रे बाबा सब चीज हो जाए दुनिया में बारिश नहीं होने का। चुका है गंदा वाला ट्रैफिक में भी गाड़ी गलत जगह डाल दिया यार, शिट, मुझे उधर से डालना था, वहां साइड से निकल जाता मैं यार। चलो अंकल के पीछे पीछे डाल देता हूँ, यहाँ तो बहुत लंबा खड़ा रहना पड़ेगा, यहाँ आगे से अंदर होने का, समझा क्या? ओए क्योंकि इधर बहुत गंदा ट्रैफिक लगेगा, बहुत गंदा ही बाला, गंदा ही गंदा, इसलिए इधर से गाड़ी डालो, बाइक का लफड़ा ही नहीं साला उधर रुकने का। अच्छा अच्छे ओहो हो, पर गर्मी भाई बड़ी गंदी लग रही, जब पानी गिरता है तो गर्मी नहीं लगती है, पानी नहीं गिरता तो गर्मी लगती है, सब क्या करे साला, जिंदगी में बहुत मुसीबत है। इधर पानी भरा है वे, पानी भरा है, चलो हल्का है, कर लेंगे, सह लेंगे। और हाँ, दो दिन से हम जिम भी नहीं गए हैं, तो आज हमको कुछ भी ना करके जिम भी जाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर पलट जाए पर जिम तो जाना है, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो। ट्रैफिक को क्लियर करते हुए हम आ चुके हाईवे पे, यहाँ से भी हम सावरकर सेतु ब्रिज में चढ़ने वाले हैं। सर अंकल जी कहाँ इंडिकेटर, पुलिस का वो लगा के रखे पर इंडिकेटर हर कहीं दे रहे हैं, पर कोई ना अंकल जी की इसमें गलती नहीं है अभी, और मेरी गाड़ी चल भी सही रही है भाई, बस मेरी गाड़ी में एक दिक्कत है, मीटर नहीं है, बाकी ऊपर से देखकर गंदा गंदा वाटर आने का है, क्योंकि गाड़ी को हम लोडिंग बना के रखते हैं। तभी सावरकर सेतु ऊपर डाले 10 नंबर साइड देखते, सीधे सीधे कहीं ना कहीं भटक के जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वापस से रिटर्न घर की तरफ जाने का, समझा ना। तभी हम सावरकर सेतु के लिए अपनी गाड़ी डाल चुके हैं, और यहाँ ये बाटल का भाग रहा है, लाती नहीं मार पाया यार, सेठ कौन कहाँ जाना चाहता है भाई, उसको जान देना, एकदम आगे नहीं आएगा क्या चूतिया, साइड नहीं देने का, हाँ साले अभी इतने में साइड चाहिए उन्हें, ये नहीं कि थोड़ा धीरे कर ले। तो ब्रिज है भाई, और आज धूप एकदम निकली हुई है, आज ब्रिज में बहुत सारी चीज़ें कचड़े कचड़े देखने को मिला, लग रहा झाड़ू नहीं लग रहा, जब मोदी जी आते तभी झाड़ू लगता है, और सामने जा रही ओला ओला होला होला, इधर से लहर आने का नहीं गिरने का, बहुत दिनों बाद इधर आ रहा हूँ, 2-3 महीने बाद तो आ ही रहा हूँ, उस दिन भैया को भी छोड़ने आया था, नीचे आता, उसने व्लॉगिंग किया ही नहीं हमने, अभी हमारी गाड़ी सीधे ही जाएगी, कहीं नहीं मुड़ने का, सीधे जाने का, समझा क्या कि नहीं समझा, इधर चलने का, इधर धूप है, अगर धूप नहीं तो हो सके रुकते, पर धूप है तो नहीं रुक रहे, यहाँ से सीधे 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 जाते हुए सीधे सीधे जाएंगे, एकदम आगे पीछे कहीं ना देखने, कहीं ना मुड़ने का, एकदम सीधे जाने का। ऐसे हम इस रास्ते जा रहे हैं जो पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता है, इस रास्ते में सही लग रहा है, धूप नहीं लग रही है, तभी हमारे डिसाइड नहीं किया जाना कहाँ, अभी तो हम सीधे जा रहे हैं, हो से कुछ खाने पीने जाएंगे चौपाटी साइड, उधर से खा पी के रिटर्न, समझ रहे ना कि क्या करे, घूमने का मन था घूम लिए, अरे बाबा काय को चश्मा लगा कर ठुकना चाहता है, सीधे जाते हैं, बाकी रास्ता अच्छी है, ऐसे रास्ते में गाड़ी चलाने में मजा आता है, बस मॉर्निंग में आता है, इतनी टाइम में नहीं आता, इतनी टाइम क्योंकि धूप रहती है, मॉर्निंग में ज़्यादा सही लगता है, पर कोई ना हम चलाते हुए जा रहे हैं, जाएंगे आगे जब तक है जान, जब तक है जान, और कुछ खा पी के आएंगे, पहले तो डिसाइड से घूम घाम के आएंगे, पर कुछ खा लेते हैं, हमने सुना सीधे ना, सीधे आ चुका चौराहा, इधर से हम आते थे कोलार साइड से, अब इधर किधर जाना है मेरे को नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को लगता है यहाँ से बड़ा पाव खा के लौट चले, हाँ यार इस रास्ते में बड़ा पाव भी तो मिलता है, क्यों साहु इधर बड़ा पाव भी तो मिलता है, तो वही खाए के चौपाटी, इधर चौपाटी कितना दूर पड़ेगा ये बता, दूर पड़ेगा तो यही खाते हैं, चल यही खाते हैं रे बाबा, चलो भैया यहाँ बड़ा पाव खाते हैं, यहाँ आए हैं तो हम बड़ा पाव खा के जाएंगे, अभी हम बड़ा पाव खाने मुंबई का बड़ा पाव फेमस वाला, तो खाते हैं, साहू अभी ऑर्डर देगा उसके बाद खाएंगे, और अभी हेलमेट वेट हमारे यहाँ रखा है, हमने सोचा अभी यहीं से रिटर्न चलेगी, हमको चौपाटी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, कहीं से हम ऐसी गाड़ी मोड़ेंगे जैसे आए हैं सेम रिटर्न बड़ा। तो ये वाला भाइयों हमारा बड़ा पाव आ चुका है, मुंबई का फेमस बड़ा पाव, हमारा लड़का इधर खा रहा और हम इधर खा रहे हैं, फटाफट खाते हैं उसके बाद वापस मिलते हैं, पाव खा के निकल चुके हैं, अभी चलते हैं इधर से किधर जाने का, हमें जहाँ जाने के पर इधर ट्रैफिक से हमें निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद हाँ ट्रैफिक से निकालने का, कार वाले को देख के चलने का, अब यहाँ से चलना है हमें वो क्या बोलते, क्या नाम भाई जहाँ जाना है, क्या बोलते वो जो पार्क
हाँ बंसल के पास जाना कहीं पे, तो चलते हैं फटाक लिख जहाँ हम सोचे कि यहाँ के बैठेंगे बस। इधर सर किधर गाड़ी किधर खड़ी करने का? अच्छा अभी आगे चलना है बोल रहा है, तो आगे चले गाड़ी लगाएंगे उसके बाद फिर चलेंगे घर घर घर। अभी आगे चलना है ना? चल ठीक है। बाकी देखो जगह एक नंबर है भाई, आज हम आए हैं थोड़ा एक आध दो फोटो खिंचा लेंगे जब आई हैं। तो मैंने जूता जब पहना ये इतना खर्च किया है। इधर देखो लाइन से भुट्टे बैठे लगे क्योंकि बारिश होने लगे तो भुट्टे कटे लगने लगे। और अभी हम बड़ा पाव खा के आए हैं, अच्छा लगा। आप भी कभी इधर साइड आओ तो ट्राई कर लेना, ठीक है? नहीं तो मत करना, जैसा आपका मन होगा। हम तो सोचे इधर कुछ आए हैं तो कुछ ना कुछ खा के जाएं। नहीं ऐसा होता ना क्राइम मास्टर को गो आया कुछ तो लेके ही जाएगा, सेम यही चीज़ है। यहाँ से अंदर चलना है उधर साइड? अच्छा जी गाड़ी पार्किंग की जगह है ना, चलो जी आपकी बातें मान रहे हैं। अरे ऐसे कैसे उठा ले जाएंगे? हाँ चल ले भाई, तू कह रहा इधर ही डाल देता है मैं, पर लोग तो इधर से जाते हैं ना। चलो अभी तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। मनीषा लेकर आ चुके हैं, ये है लेक, पर यहाँ थोड़ा सा अलग चीज़ है। इधर सामने नाला बह रहा है, देख रहे हो लेक पे नाला। अभी ऐसे भटकते भटकते हम सीधे सीधे जा रहे, देखते कहाँ तक जा पाते हैं। यहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जा पाएंगे हम। देखो ये जगह है, ये जगह एक नंबर भाई, अच्छी लग रही मुझे। पहली बार आया हूँ तब भी अच्छी लग रही है। बस यहाँ जोड़े भी, यहाँ भी बहुत सारे जोड़े हैं लड़का मेरा, यहाँ भी मेरे बहुत सारे जोड़े जोड़े दिख रहे मेरे, क्या बोल रहा हूँ जोड़े। यहाँ से हमारा घूमना घामना हो चुका, बस 2 मिनट खड़े हो, 2-4 फोटो खिंचाई थी वो हमने खींच लिया। अब यहाँ से वापस से निकल रहे घर के लिए फटाक से, यहाँ डर चलते गाड़ी के पास। मेरे को डर लगा था मेरी गाड़ी बस बची हो, ठीक है। घूम घाम के आ चुके हैं, यहाँ से अपनी गाड़ी उठाते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? ये रही, बच गई। हम तो सोचे थे बचेगी नहीं पर बच गई, पुलिस वालों ने नहीं उठाया, ये अच्छी चीज़ है नहीं उठाया तो। और फटाक से इधर बैठते हैं और इधर से निकलते, बैठ। हाँ बैठना, इधर से चलेंगे उधर। चलो भैया इसको बैठाते हैं और निकलते हैं। बैठ गया तो बैठना साले मम्मी। आहा फटाफट गाड़ी डाल दो रे बाबा, क्या गर्मी लग रही यार, इतनी गंदी गर्मी क्यों लगती है। हो ये आ चुके इधर बंसल हॉस्पिटल है, इधर तुमको बहुत गंदा वाला ट्रैफिक मिलेगा। इधर ही साला ऐसा है कि हाँ गंदा ट्रैफिक मिलता है, बहुत गंदा, इससे गंदा ट्रैफिक कहीं नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। आह देख रहे हो, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, उधर क्या हो गया? अच्छा कार वाला बैक कर रहा है, अभी जो बाइक वाले सफाई साइड से तो निकाल ले जाते हैं, बाकी कार वाले बेचारे खड़े रहते हैं। कार वालों के चक्कर में निकल जाएगी निकल जाएगी। ये भैया डर रहे हैं इनको लग रहा कौन पीछे ठप्पी दे देते, ऐसा लगता है कार से घूमने वाले इंसान है, कौन ठप्पी दे देगा तो हो गया कल्याण, स्कूटी में घूमना ही भूल जाएंगे फिर। पर कोई नहीं देगा भैया, चिंता न क्या करो। गाड़ी पंचर है क्या? अच्छा हवा नहीं है, हवा नहीं है दोस्तों भैया गाड़ी में। चलो हम तो वहाँ से ट्रैफिक से निकल चुके हैं। आज के इस रोड पे तुमने इस रोड का हजार बार वीडियो देखा होगा, हाँ तो इसी पे आ चुके हैं। और सामने हरियाली देखो कितनी प्यारी लग रही है, लग रही है एक नंबर। और यहाँ चलान भी कट रहा पीछे, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारा कैमरा बंद था। अरे बाबा इधर रिकॉर्ड नहीं किया, कोई ना अभी चलते क्योंकि पुलिस वाले थोड़ा सा आगे बढ़ाए, पहले उधर सामने चौराहे पे खड़े थे तब इधर थोड़ा सा आगे खड़े होने लगे, इसलिए बच के रहना कोई भी आना तो समझे क्या। इधर चलते रहे अपन, इधर इधर आ चुके हैं और इधर भी लग चुका है ट्रैफिक 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 लगा क्यों है पर हाँ कौन है कोई भी रहे, अपन वहां से पीछे करके डाल देते ना, यहाँ ज्यादा ट्रैफिक लगी। इसे टायर देख, टायर लगता अलग से लगवाया इसने। हाँ अपन को क्या, अपन को इधर से चलना है। सामने वो कार वाले वो रक्षा मंत्रालय वाला था ना, उसने ट्रैफिक लगा के रखा था। छीरे मच्छी कट रही, छी छी छी, ये सब नहीं दिखाने का। देख लिए कितनी गंदी बदबू आ रही है। हाँ इधर की रोड में कहा का ट्रैफिक लगता है भाई ज्यादा। अच्छा हाँ ये चौराहा छोटा नहीं, कहीं इस रोड में ज्यादा ट्रैफिक लगता है भाई। तो भाई ब्रिज आ चुकी है सामने, ब्रिज से चलते ऊपर। ओ भाई साहब अंकल लोग खड़े हैं, चेकिंग चल रही है। चेकिंग तो अपन क्या चेकिंग में, अपन तो फुल हेलमेट, अपन तो हेलमेट से है, कैमरा चालू है भाई साहब। इधर चल रही है देख रहे हो। ओ मम्मी मम्मी
मेरे को जाना पड़ेगा। इधर से सीधे चलने का भैया टच मत कर देना, बस चलते हैं। इधर देख लो, सबको घेर घेर के रखा गया भाई साहब, क्या बात है भैया, सबके चलान कटने का बराबर बराबर। उधर से वो लोग फट रही है, इधर से ये लोग बेचारे बस के आए होंगे। अच्छा, ये लोग कुछ सवारी भी उतार के जो ट्रिपल होंगे, देख रहे हो, डर चलान का डर इसे कहते हैं, असली वाला डर। हाँ, और इधर थोड़ा सा सही हो गया, धूप कम हो गई है तब थोड़ा सही लग रहा है। चलो भाई, हम आ चुके हैं बागसवनिया, पर अभी हम इस ट्रैफिक वाले भसड़ में घुसने तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से निकाल के अब सीधे चलेंगे, इसको लाउटस छोड़ेंगे, लाउटस से सीधे निकलेंगे अपने घर। समझे क्या कि नहीं समझे, लाउटस छोड़ने से पहले इसका हमको कपड़ा भी देना पड़ेगा। यो हो, ये देखो गाड़ियाँ उठ के जा रही हैं, क्या बात है, ऐसा दृश्य सबको देखने को मिले, बस मेरी गाड़ी ना हो, बस जब मुझे देखने को मिले। काश मेरी गाड़ी ना हो। ये भैया कितना खुश हो रहे बोला चला के, अभी गाड़ी डाल दो राजस्थान में, फिर मैं तो उसी साइड छोड़ दूंगा, है ना। चलो राजस्थान में चलते, इसको कचौड़ दिलाते हैं, उसके बाद इसको वहीं छोड़ेंगे, फिर मैं घर निकलूंगा। अरे कर ले दो साइड, चला लो यार भैया, चला लो क्रेटा को, क्रेटा। हाँ हाँ, वही से सवारी से जाऊँगा मैं, आया भी सवारी से ही हूँ। चलो रे बाबा, इधर भी हमको जगह दे दिया है। ओ भाई साहब, रेड बस ना आ जाए, बस रेड बस नहीं आने का, बाकी तो चलने का सब कुछ। हाँ आई सा, रुक जा चूतिए। तेरे मामा ने गाली तूने सुनी? तेरे मामा ने गाली तूने सुनी? सुनियो तो बता देना भाई। चलो भैया, यहाँ से राजस्थान आ चुका, ये लेके मैं जब तक यहीं बैठा रहूँगा। समोसे वोसे मिल चुके एक दूसरी दुकान में, इससे महंगा मिला वहाँ, साला हम सोचते थे यही महंगा है, पर वो उधर सबसे महंगा, साला 20 रुपये की कचौड़ी दी है भाई। हाँ अब इधर से लिया करेंगे, ये सबसे सही है, देख लेंगे यहाँ भी रेट, देख रेट देखे क्या होता है। अब इसको चलता छोड़ता हूँ फटाक से एक साइड पर। बाबा किधर अंकल जी, सॉरी। तब भाई को छोड़ते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। यहाँ बेचारी कन्या अपने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगा के परेशान हो रही है, तो चलो लड़के को अपने छोड़ते हैं फटाफट, उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि पानी गिरने जैसा थोड़ा सा मौसम हो रहा है, गिर ना जाए फिर मैं छुप नहीं पाऊँगा ना कहीं भी, इसलिए। अब भाई कपड़ा भी देना भाई को, गाड़ी जब से बनवाया ना भाई मस्त भाग रही है, अब गाड़ी भगाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अब तो मैं लंबे में भी ले जा सकता हूँ गाड़ी को, बस ऑयल ऑयल चेक करके बराबर, तो लंबे में भी ले जा सकते हैं। रे बाबा ए भोबो हे दोस्त, ये मुख पे रहा तो भाई बोल रहे चेंज हो गया कपड़ा भाई का। अब फटाक से आज चलते हैं घर, गर्मी बहुत लग रही है, मुझे जाकर कपड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, तो फटाफट चलेंगे कपड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। ओ भाई साहब, इधर फोर सेल ऐसी कारें कोई नहीं खरीदेगा। रे बाबा, वैन कोई नहीं खरीदेगा, अच्छा अंदर भी है फिर खरीदेगा कोई ना कोई, तो अभी पैसे इधर चलते हैं अपन। चलो भाई, पवन भाई को छोड़ के आ चुके हैं, अब यहाँ से अपन भी निकल रहे फटाफट घर, क्योंकि देखो बारिश का मन हो रहा है पानी गिरने का, एकदम से ही गिरने लगती है, कारण फटाफट घर चलते, गाड़ी आगे से चपकी हुई है, तो चलते फटाक से घर। और हम सोचे कब ज़्यादा वीडियो का क्या बढ़ाएंगे, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किया वहीं एंड भी कर देते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, जरूर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद निकले थे, पर मज़ा आया शूट करने में, हम थोड़ी जगह जहाँ नहीं घूमे तो वो वाली जगह चले गए आज, और थोड़ा बहुत बड़ा पाव खाने चले गए, थोड़ा बहुत कुछ, तो बस यही छोटा मोटा था, इधर समोसों से लेने चले गए, यही था। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, पसंद तो ज़रूर आया होगा, तो इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब सारी चीज़ें कर देना, और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दो, कम से कम 2-3 मिलियन व्यूज़ चले जाए, 2-3 मिलियन व्यूज जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज दिया जाएगा। और हो सका मैं प्लान कर रहा हूँ अभी रोस्ट बनाने का बिग बॉस के ऊपर, देखते हैं अभी रोस्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, अभी स्क्रिप्ट लिखना भाई बहुत झंझट जाएगी ना, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलो बाय बाय।